क्या दिल्ली को राजधानी नेशनल कैपिटल कहलाने का हक है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। इतना ही नहीं, पिछले दो दिनों से लोग अपने घरों के बाहर खड़े हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं वो घर जाने के लिए, अपनी गली में दाखिल होने के लिए पहले अपने जूते उतारते हैं, पैंट ऊपर चढ़ाते हैं और फिर पानी में डूबे अपने घर की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हालात है दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में आने वाले एक इलाके के। टोटल न्यूज सहयोगी जतिन शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली, राजधानी दिल्ली को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे विकसित शहरों में से एक दिल्ली को गिना जाता है, लेकिन दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां पर बारिश हो जाए तो लोगों के घर भी डूबने के लिए तैयार हो जाते हैं। नजारा आप देख पाएंगे कि जिस गली में हम खड़े हैं वहां पर घुटनों तक पानी जो है वो जो भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे जो कि स्कूलों से घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किस तरह अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्हें बारिश के पानी से गुजरते हुए जाना पड़ रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये नजारा आप देख रहे हैं किराड़ी विधानसभा का, जो एक आगर नगर है वहां का ये नजारा है जहां पर मंगलवार को बारिश हुई और बारिश के बाद आलम ऐसा कि लोगों के घरों में पानी जो है वो भरता हुआ नजर आ रहा है। सर, पिछले साल उन्होंने रोड दोनों तरफ ऊंचा करके बना दिया, करीब 6-6 फुट रोड ऊंचा कर दिया जब से, और बीच में हम लोगों कम से कम ये जो हजारों घर की आबादी है ये टापू जैसा बन गया है। अभी तक तो हम लोग ठीक थे, लेकिन ये जो मंगलवार को जो बारिश हुई, इस बारिश में सबके घर में पानी घुसा, 3-3 फुट 4-4 फुट पानी घुसा हुआ है। हम लोग 4 दिन से खाना पीना सब कुछ बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सारे बच्चे घर में बैठे हैं, हरी बीमारी सर फैल रहा है, सबके करना हजा की जैसा प्रकोप आ गया है सर, कोई हम लोग को देखने वाला नहीं है। आगर नगर की ये बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि घरों में पानी जो है वो भरा है। नजारा ही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये घर आप देखेंगे और इस घर को अगर आप नजर डालेंगे तो लगभग लगभग जो आधा दरवाजा आपको दिखेगा वो पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। तो देख पाएंगे कि किस कदर लोग परेशान हैं, लोग घर बनाते हैं रहने के लिए, लेकिन बारिश के बाद घर की जो दशा है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अंदर तक आप देखेंगे कि पानी जो है वो भरा हुआ है। सामने इस ड्रम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधा जो ड्रम है वो भी पानी में डूबा हुआ आपको नजर आएगा। तो लोग खासे परेशान हैं, प्रशासन दावे करता है कि वाटर लॉगिंग नहीं होने देंगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों को परेशान कर रही है, पानी परेशान कर रहा है, इस पानी से होने वाली बीमारियां परेशान कर रही है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या इस पूरे इलाके की जो दशा है वो बदल पाएगी, ऐसे सवाल है जो कि स्थानीय लोग भी हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन मकसद यही है कि जो पूरा इलाका है जहाँ पे ये जो पानी भरा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिल सके। कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली। तो देखा आपने स्थानीय लोग किस तरह से प्रशासन की पोल खोल रही हैं। आगर नगर में जलभराव की इस स्थिति का जायजा लेने आम आदमी पार्टी के विधायक से लेकर बीजेपी के निगम पार्षद तक पहुंची, डीएम से लेकर एसडीएम भी पहुंचे, लेकिन जमीनी स्तर पर घरों से पानी निकालने के लिए कुछ खास कदम जलभराव के दो दिन बाद तक नहीं किए गए। लेकिन जब टोटल न्यूज की टीम आगर नगर में जलभराव से परेशान लोगों से बात कर रही थी तभी हमें स्थानीय लोगों के लिए खाने से भरी एक गाड़ी प्रशासन द्वारा भेजी गई। खाना उन लोगों के लिए भेजा गया जो घर में पानी भरे होने के चलते पिछले दो दिनों से घर के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें खाना नहीं चाहिए बल्कि घरों से पानी निकालने के लिए मदद चाहिए। घरों के अंदर पानी घुसा है तो वही अब प्रशासन भी लोगों को खाना बांटने का जो काम है वो यहाँ पर कर रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अगर राशन या ये खाना देने से बढ़िया अगर घरों के आगे से पानी निकाला गया होता, लोगों का जनजीवन सामान्य किया गया होता तो बात कुछ और ही होती। कुछ महिलाएं उनसे हम बात करेंगे। आपसे आना चाहूंगा, ये लोग खाना दे रहे हैं लेकिन खाना सर नहीं चाहिए, हमको खाना नहीं चाहिए, मेरे घर में पानी है, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, 5-6 दिन हो गया बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो बहुत पानी लगे हैं घर में, यही हम चाह रहे हैं, हमको खाना नहीं चाहिए, इसको पानी निकलाइए कि मकान बन जाएंगे तो सरकार हमें मकान देगी। आपसे भी जानना चाहूंगा कि पानी की जो समस्या है क्या लगता है कि प्रशासन काम कर रहा है, क्या अभी भी वो आपको लापरवाही की तरह ही छोड़ रखा है पूरे इलाके को? पानी की समस्या होती थी, पानी नहीं भरा जाता भैया, और बच्चे
क्या बोलते परेशान है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, हर चीज में दिक्कत हो रही है। ये नाली ये खाली करवाया जाए पानी जल्द से जल्द। हालांकि गलियों में पानी भरा है, लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा है, उसके बाद दावे इस तरीके के किए गए कि पानी को निकाला जाएगा। ये भी जो लोग अपने घरों में जा नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं बना पा रहे, उनके लिए इस तरीके से जो खाना है वो यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि उनको खाना नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो मदद चाहिए। मदद भी इसलिए कि गलियों के अंदर जो पानी भरा है, लोगों के घरों के अंदर जो पानी भरा है उसको बाहर निकाला जा सके, ताकि लोग जो अपने बच्चे हैं उनको स्कूल भेज सके, अपने घर का जो रूटीन का काम है वो कर सके। इसकी ये जो स्थानीय लोग हैं वो मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ अतुल शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली। और टोटल न्यूज की टीम को आगर नगर में घरों से पानी निकालने के लिए मोटर भी दिखाई दी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि पानी निकालने के लिए 10 गलियों को महज दो ही मोटर दी गई, जिसमें से एक मोटर पिछले 18 घंटों से खराब है, जिसे ठीक करने के लिए कोई भी कर्मचारी अब तक नहीं पहुंचा। किराड़ी विधानसभा के आगर नगर के ए ब्लॉक के अंदर ही तकरीबन 103 गलियां हैं, लेकिन इन गलियों से पानी निकालने के लिए कुछ ही मोटर इन स्थानीय लोगों को दी गई है। ये आप देख पाएंगे कि ये मोटर यहाँ पर चल रही है, जो कि गली के अंदर से पानी निकालने का काम वो यहाँ से कर रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस मतलब ये जो गली है, इस गली के अंदर छोटी छोटी तकरीबन 15 से 20 गलियां हैं, लेकिन उन 15 से 20 गलियों के अंदर पानी निकालने के लिए महज दो या तीन मशीनें इस तरीके की दी गई है, जो कि पानी को बाहर निकाल रही है। लेकिन पानी को बाहर निकालने के बाद समस्या कहीं ना कहीं निकासी की है, क्योंकि जब ये सड़कें ऊपर उठाई गई उसके बाद से निकासी को लेकर जो परेशानी है वो यहाँ पर लोगों के बीच में बनी हुई थी। और वैसा ही नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि गलियों से जब पानी को निकाला जा रहा है तो पानी निकालने के बाद वो बाहर रोड पर आ रहा है, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की समस्या है कि अगर इसी तरीके से पानी निकलता रहेगा तो इन इलाकों में भी जो वाटर लॉगिंग है वो देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ इसके ठीक आगे एक और गली मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। हालांकि यहाँ पर इस गली में आप देखेंगे मोटर लगाई गई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मोटर पिछले दो दिन से खराब है, और ऐसी की ऐसी पड़ी है, ना तो टेक्नीशियन कोई यहाँ पर आया जो कि इसकी मरम्मत कर सके। स्थानीय लोग, भाई साहब कितने समय से जो मोटर है वो खराब चल रही थी यहाँ पर, क्या कोई देखने आया, कोई पूछने आया कि मोटर क्यों खराब है, चेक करने को यहाँ पर पहुँचा है? सर कल शाम को खराब हुई है, उसके बाद अभी तक कोई वो नहीं है इसका, कल शाम से खराब हुई है। कितनी इस तरीके की मोटर्स यहाँ पर दी गई हैं पानी निकालने? यहाँ पर हमें दो पंप मिले हैं, नौ गलियों में, पूरी टोटल नौ गलियाँ हैं, जिसमें कि एक मीटर 32 इंच 40 इंच तक पानी है इसमें, और दो पंप मुझे मिले हैं। दो पंप में ये पंप खराब होगा, एक पंप चल रहा हमारा और पानी कम नहीं हो पा रहा 24 घंटे। क्या 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 मोटर की कमी है यहाँ पर, जो पानी है वो निकालने नहीं दे रहे हैं यहाँ से, क्या किस तरीके की परेशानी है, मोटर की कमी है यहाँ पर? हाँ मोटर की कमी है, आप देख के आए वहाँ से लेके एक 10 लंबर गली से एक लंबर गली तक सारा पानी भरा हुआ है, एक मोटर चल रही है बस, इससे पानी निकल जाएगा, हर घरों में पानी है। महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी है, किस तरीके की परेशानी यहाँ पर आप? इतना पानी मेरे घर में भरा हुआ है और मोटर भी नहीं कोई दे रहा पानी निकालने के लिए, क्या किया जाए? दो दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, नज़ारा गलियों में इस तरीके का है, लोग अपने घरों से बाहर हैं। 10 गलियों के हिसाब से अगर यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि महज दो ही मोटर दी गई हैं, उन दो मोटरों में से भी एक मोटर खराब है, एक से पानी निकल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्थिति में जो ये आगर नगर है यहाँ के लोग रह रहे होंगे, क्योंकि उनके घरों में भी पानी भरा हुआ है। तो हालांकि प्रशासन ये बात कर रहा है कि मदद करेंगे, लेकिन मदद के नाम पर 10 गलियों में सिर्फ दो ही मोटर दी गई पानी निकालने के लिए, जो कि स्थानीय लोगों में बिल्कुल एक रोष का कारण बना हुआ है। लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि उनको मदद चाहिए, मदद ऐसी कि उनके घरों से पानी को निकाला जा सके, आर्थिक या शेल्टर टाइप की वो मदद नहीं चाहते हैं, इतना बिल्कुल प्रशासन से चाह रहे हैं कि उनके घरों में जो पानी निकला है उसको समय रहते बाहर निकाल लिया जाए, ताकि वाटर लॉगिंग से, मच्छरों से जुड़ी और बीमारियों से जुड़ी जो परेशानी है उसका सामना इस आया नगर जो आगर नगर है उनके लोगों को ना उठाना पड़े। कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज दिल्ली।